जी नमस्कार। जी नमस्कार। बातचीत कर रहे हैं जाने माने पत्रकार लेखक सुनील श्रीवास्तव जी के साथ दिल्ली से। अब जबकि बार बार कवि और गीतकार गायक कुमार विश्वास जब ये कहते हैं कि हमसे ऐतिहासिक भूल हुई अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने के लिए, तो इस ऐतिहासिक भूल की कीमत जनता चुका रही है। अगर दिल्ली आज की तारीख में डूबी हुई है, तो एक तो मान लीजिए एक उदाहरण हुआ, लेकिन इस तरह की कितनी और डूब जनता को झेलनी होगी। जी यहाँ एक बात हम सबको समझनी होगी कि अन्ना आंदोलन से निकले लोगों में से सभी लोग लगभग जो अच्छे थे, कुमार विश्वास से लेकर के किरण बेदी तक, बीच में सारे नाम जितने याद हों वो हम ले सकते हैं, कोई भी इनके साथ नहीं रुका। और जहां तक कुमार विश्वास का सवाल है, कुमार विश्वास तो अंतिम समय तक इनके साथ रहे, यानी उस चुनाव में भी साथ रहे। पंजाब जाकर के इन्होंने शायद प्रचार भी किया था, लेकिन उसके बाद कुमार विश्वास को जब राज्यसभा में नहीं भेजा उन्होंने, उसके जगह पर कोई गुप्ता है राज्यसभा में उनको भेजा, या कोई और है थे दूसरे को, तो फिर उनको न पार्टी की कार्य समिति में बुलाया गया, न उसके चयन प्रक्रिया में बुलाया गया, और इनके साथ वो धोखा हुआ। और सबसे ज्यादा इनको प्रताड़ित तब किया गया कुमार विश्वास को, जब उन्होंने एक रहस्य की बात की थी कि केजरीवाल किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री की तो छोड़ दीजिए, यह प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि यह बात उजागर कर दिया था कुमार विश्वास ने एक बातचीत में कि जब वो एक बार उनके घर बैठे थे तो कुछ खालिस्तानी समर्थक भी इनके वहां बैठे थे। इन्होंने कहा कि देखो भाई केजरीवाल, ये ठीक नहीं है, इससे जो है वो देश को भी भुगतना पड़ेगा, इसका जो परिणाम है और हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि हम सबको कुछ नहीं भुगतना पड़ेगा, हमारी तो इच्छा है कि हम मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने कहा कि लेकिन एक खालिस्तान है, यह टूटेगा, तो कहीं टूटने दो, हम फिर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे या राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो ऐसा सोच रखने वाला व्यक्ति कितना कुछ देश का भला कर सकता है या अपने राज्य का भला कर सकता है, यह संभवतः बहुत देर में कुमार विश्वास की समझ में आ बात आई, क्योंकि कुमार विश्वास के साथ तो उनका घरेलू रिश्ता ही नहीं, पारिवारिक रिश्ता था। केजरीवाल भाई कह करके घर भी जाते थे इनके, जो गाजियाबाद में था वहां रुकते भी थे। सिर्फ वही नहीं, दूसरे लोग भी, श्री मनीष सिसोदिया भी थे, और भी जितने लोग थे पार्टी के उस समय सारे लोग जाते थे। लेकिन उसके बाद जब इनका साथ छूटा तो फिर इनकी सारी पोल पट्टी भी खुलने लगी। मनीष सिसोदिया जेल में गए, वो तो खैर बहुत बात की बात है, लेकिन केजरीवाल की पोल पट्टी खुलने लगी। धीरे 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 करके जनता का विश्वास इन्होंने जो हासिल किया था, उस जनता को विश्वास को इन्होंने ये समझा कि हम जो है बहुत बड़ी चीज पा गए हैं, और फिर वह जायज ढंग से, नाजायज ढंग से लोगों को गफलत में रख करके, या कह सकते हैं कि बेवकूफ बना के जनता को उन्होंने सारी चीजें अर्जित करनी शुरू कर दी। जो केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, यानी कोई भी ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ इन्होंने ना कहा हो। यहां तक तो इन्होंने कहा कि शरद पवार के उसमें, कि इनके जो विदेश में खाते हैं उसका पूरा डिटेल हमारे पास है। सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने और जेल में डालने की बात की थी,
राजीव गांधी को जो राष्ट्र भारत रत्न मिला था उसको वापस लेने की बात की थी। ये कुमार विश्वास जैसे लोग जो आप देखे होंगे, एक वीडियो वायरल हुआ होगा कि जिसमें कुमार विश्वास अभ्यास करा रहे हैं कि कैसे बाहर जाकर के जनता के बीच में मंच से बोलना है, और उसमें दोनों एक दूसरे से हास्य व्यंग कर रहे हैं, और वो उसमें कुमार विश्वास कहते हैं कि बहुत बदमाश है, और अरविंद केजरीवाल भी हंस रहे हैं उस वीडियो में, और उनको भाषण कैसे बाहर में जा करके देना है वो उस चेहरे का पोज बता रहे हैं, और तरह तरह से उनको इस तरह से करके बता रहे हैं। तो क्या एक बीच में जो भारतीय लोकतंत्र जैसे में जो जो बौद्धिक वर्ग जो है, मान लीजिए जिन पर विश्वास कर लिया जाता है, वो कवि के रूप में अब पार्टी से निकल करके भी वो अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, चाहे योगेंद्र यादव हो गए, पत्रकार कुछ थे, तो उसकी कीमत तो जनता को चुकानी पड़ती है। अब जमुना को लेकर ही कितनी बार आपने कहा कि हम इतना ये कर देंगे, इतने ये कर देंगे, लगभग 10 साल का शासन हो गया, उस पर कितने करोड़ों खर्च किए गए, सुनते हैं कि 200-400 कितने खर्च किए गए होंगे पिछले 10 साल के अंदर। तो ये हास्य व्यंग और ये सत्ता के करीब आ जाना, तो ये जो बौद्धिकता आपको दिख रही है, मैंने भारतीय संदर्भ में लोकतंत्र में, वो कितना हानिकारक है। मैं आपको वही बता रहा था कि जब इनको जनता का विश्वास पैदा हो गया और इनके साथ के सारे लोग हट गए और कुमार विश्वास जैसे लोग अंत में हटे, उसमें बौद्धिक लोग जितने थे कोई नहीं बचा। तो जिस बौद्धिकता की बात की जा रही है वो हम उस बौद्धिकता की बात करना केजरीवाल के साथ बेईमानी हो, क्योंकि वह बौद्धिकता उनके पास है ही नहीं। कुमार विश्वास जैसे लोग, किरण बेदी जैसे लोग, आशुतोष जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये थे और इनको बोलना तक सिखाया कि कैसे बात करोगे पढ़े लिखों से। और आज वही व्यक्ति अपने को कह रहा है कि हम IRS हैं और इतना पढ़ लिख गया है, इतना बौद्धिक हो गया है कि दस्खत तक नहीं करता है। यानी कि उस व्यक्ति से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि उसके पास बौद्धिकता नाम की कोई चीज है। हाँ, चालाक बौद्धिकता है उनके पास, चालाकी है उनके पास। हम अगर और उसको थोड़े से कड़े शब्दों में कहें तो धूर्तता है उनके पास, जो कि जनता को भी मूर्ख बना रहे हैं और जनता को का पैसे भी ले रहे हैं, खा भी रहे हैं, चाहे वो विज्ञापन के माध्यम से खाएं, चाहे शराब के माध्यम से खाएं, चाहे शिक्षा के माध्यम से खाएं, चाहे वो कोई भी हो। कोई ऐसा विभाग नहीं है, बिजली से लेके शिक्षा, शराब, सब कुछ ऐसा है कि वो खा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बौद्धिकता जोड़ी नहीं जा सकती। अगर उतने ही बौद्धिक होते वो, तो फिर ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे उनको नाराजगी झेलनी पड़ रही है और जिस जनता का विश्वास लेकर के वह मुख्यमंत्री बने थे, वही जनता अब उनके खिलाफ आवाज भी उठाने लगी है। वही जनता आज पूरा प्रदेश, पूरी दिल्ली डूबी हुई है पानी में, और लोग मजाक भी कर रहे हैं कि जो केजरीवाल कहते थे कि 360 झील हम बनाएंगे, और जो कि वो हमेशा कहते हैं कि उनका काम भी कोई भी जो है राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है, वो सब पेरिस और न्यूयॉर्क के ही सब बनाते हैं, लंदन बनाते हैं। तो जनता तो मतलब उनका हास्य उड़ा रही है, उनका मजाक उड़ा रही है कि देखो ये कह रहे थे 360 झीलें बनाने के लिए, अब तो पूरा का पूरा पूरी की पूरी दिल्ली ही झील बन चुकी है। कहते थे हम पानी मुफ्त में देंगे, उस पर भी जनता उनका मजाक उड़ा रही है कि साहब देखिए अब तो घर घर में पानी है, जितना पानी चाहे पी लो। और खुद जो है वो जा करके बेंगलोर में मीटिंग अटेंड करते हैं, विपक्षी पार्टियों का जो है वो बैठक, उसके बैठक में जाते हैं, और उनके पास तो कोई हवाई जहाज है नहीं,
अपने साथ वो भगवंत मान को भी लेकर के जाते हैं। और यह तो कम है, इन्होंने नाले की सफाई भी नहीं करवाई, जबकि उसका अप्रैल मई में ही सफाई कर देनी चाहिए थी, सफाई भी नहीं करवाई। और 3-4 साल से उसके पैसे का भी कोई इन्होंने इनके पास हिसाब नहीं है, और वो हर साल सफाई भी दिखाई गई है। और इनके मंत्री भी इतना झूठ बोल रहे हैं कि हरियाणा कह रहा है कि हमने इनको चेतावनी पहले ही दी थी, और 72 घंटे का समय मैंने दिया था कि बैराज से पानी छोड़ा छोड़ा जाएगा, क्योंकि उसकी भी अपनी एक क्षमता है और हर साल छोड़ा जाता है, उन्होंने उस पर भी कहा। और यहाँ आईटीओ के पास बैराज है, बैराज जो है उसके भी देख रेख की बात की गई। तो इनकी जो चालाकियां हैं, उन चालाकियों से जनता भी परेशान है, और इनके साथी तो परेशान थे ही। आज स्थिति यह है कि अगर आप चले जाइए पंजाब में, वहां इनके खिलाफ जनता पूरी की पूरी हो गई है, नहीं तो हो जाएगी। अभी फगवाड़ा से एक सज्जन आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो इनको वोट इसलिए दिए थे कि जो कांग्रेस की गंदगी थी वह साफ होगी, तो बल्कि कांग्रेस से ज्यादा गंदगी इनके यहाँ आ गई है। इन्होंने दिल्ली वाला खेल पंजाब में भी कर दिया है, खालिस्तानियों को शरण ये दे रहे हैं, दिन दहाड़े खालिस्तानी थाना चला रहे हैं, वहां पे बम चला रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और केजरीवाल और भगवंत मान चुप हैं। तो ऐसी स्थिति में केजरीवाल से किसी बौद्धिकता का वो करना, आशा करना, उम्मीद करना, यह बहुत बेमानी होगी, क्योंकि वह व्यक्ति इसके काबिल ही नहीं है। वह शुरू से इस ढंग के, हमको लगता है कि उनके दिमाग में यही था कि IRS होके कुछ पैसे कमा नहीं सकते हैं हम, इससे ज्यादा पैसा तो हम राजनीति में कमा लेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग में कमा लेंगे। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि आज तक इनका कोई भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के नीचे हो ही नहीं पाता है, जबकि इनकी जगह पर शीला दीक्षित थी इसके पहले। और उन्होंने यहां तक कि सबसे बातचीत करके एक सामंजस्य बना के दिल्ली के विकास के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, उसका 1% भी शायद इन्होंने न किया होगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ हम बौद्धिकता की क्या बात करें, तो जो ना अब ऐसे में एक लास्ट सवाल कि ऐसे में अगर आप ये कह करके कि हमसे ऐतिहासिक भूल हो गई, तो आप अपने क्या किस आपके पास तो पहले कोई दायित्व नहीं था, तो क्या आप मुक्त हो गए इस आरोप से कि आपने जो भूल की वो उससे जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं उसका क्या होगा? अब यह कि उनके पास कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि प्रायश्चित कर सके। क्या प्रायश्चित करेंगे वो, मान लीजिए हमसे भूल भी हो गई तो हम क्या प्रायश्चित कर सकते हैं उनको? हम जिसके लिए प्रायश्चित करेंगे वो क्या करेंगे, अंदर अंदर प्रायश्चित करते रहे। वो अब खुल करके केजरीवाल के खिलाफ न चुनाव लड़ सकते हैं, न वो अब वह विश्वास रहे जो पहले वाले विश्वास थे। अब वो सीधे सीधे राम कथा पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे वो मंचीय कवि हो गए हैं। लोग बताते हैं कि उनका जो 15 या 20 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होता है एक सम्मेलन का, तो उनको क्या जरूरत है राजनीति में आने की? तो वो करते रहे राम कथा करके उसका जो है प्रायश्चित करते रहे, बाकी कोई रास्ता भी नहीं है प्रायश्चित, और कोई रास्ता है नहीं प्रायश्चित करने का। तो आदमी जब कोई है क्या, आपने तो बहुत बढ़िया कहा कि तो यानी राम कथा की शुरुआत क्या इसीलिए हुई कि वो ऐतिहासिक भूल की प्रायश्चित कर रहे हैं और या के लिए हाँ प्रायश्चित कर रहे हैं? निश्चित निश्चित रूप से मुझे यही लग रहा है कि वो अपने किए, जिसको कह रहे थे ये 5 संपादकों के बीच, जिसमें कि 2 तो मेरे परिचित ही थे, एक तो राम कृपाल थे नवभारत टाइम्स वाले, और दूसरे जो है वो राहुल देव थे जनसत्ता वाले। तो ये 2 तो मुझे खैर बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी इनको जानता हूँ, और राम कृपाल तो हरिवंश के साथ ही ट्रेनिंग में थे। तो ये सारे लोग उनसे कहे, उनके सामने ये कह रहे हैं कि हम तो राम कथा करते हैं, और बहुत सारी बातें भी पूछी गई उनको। तो इसके अलावा उनके पास क्या है? तो वास्तव में
अगर वह राम कथा कह करके प्रायश्चित कर रहे हैं तो अंत में तो भगवान की शरण में ही जाना है, केजरीवाल के शरण में जा करके तो प्रायश्चित कर नहीं पाएंगे, तो अपना भगवान के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं अपने किए का और साथ में भगवान का। राम कथा भी जो कर रहे हैं उसमें भी तरह तरह के उन पर अब आरोप लगने लगे हैं कि वो जो जिस तरह से नई व्याख्या कर रहे हैं वो शास्त्र सम्मत नहीं है, वो नए सिरे से वो उसकी व्याख्या कर रहे हैं। और जो नई पीढ़ी जो जिस तरह से कोई आदि पुरुष फिल्म बना दे रहा है या उसमें डायलॉग उलट पुलट लिख दे रहा है, तो उसी में कुमार विश्वास का भी नाम आ रहा है। नहीं, वो जो आदि पुरुष की बात थी तो एकदम अलग है, लेकिन जहां तक राम कथा या जो पौराणिक चीजें हैं इनकी व्याख्या तो सभी अपने अपने ढंग से करते रहे हैं, और बल्कि रामायण को लेकर के 12 या 13 रामायण लिखी गई है, साउथ में भी लिखी गई है, और उसके बाद राधे श्याम रामायण भी है, बहुत सारे रामायण लिखे गए हैं, तो अपनी अपनी समीक्षा और अपनी अपनी अपने अपने तर्क तो लोग देते ही हैं। आपको और याद उसमें होगा, आपको याद होगा अभी भोपाल या एमपी में कहीं एक ये राम कथा कर रहे थे, उसमें इन्होंने कुछ कह दिया, उसमें बहुत बबेला मचा था वहां, बाद में इन्होंने माफी भी मांगी थी। हाँ वो ठीक है, मुझे याद आ गया। हम नहीं, वो उन्होंने भूल जो है वो की थी, और उन्होंने ये समझ लिया था कि हम जैसा भी कहेंगे लोग हाथ जोड़ के राम कथा को सुन लेंगे, और उनको यह बात भूल गए कि राम कथा हमारे यहाँ लोगों को बचपन से ही रामलीला के माध्यम से या दूसरे अन्य माध्यमों से हर बच्चा जो है राम कथा के मामले में थोड़ा बहुत तो जानता ही है, किताबों में भी है, तो उतना तो तर्क आदमी के आम आदमी के पास भी है, तो उनको तो माफी मांगना भी था। लेकिन अब ऐसा भी है, तर्क को कुतर्क में मत बदल दीजिए कि माफी मांगना पड़े, लेकिन तर्क तो अपने अपने हैं, ठीक है, अपने अपने तर्क है, सब कुछ है, लेकिन आदि पुरुष का तर्क तो खैर एकदम बेकार ही था, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको बात भी नहीं की जा सकती है। लेकिन ये जो प्रायश्चित करके राम कथा करके प्रायश्चित कर रहे हैं, इसके बारे में तो खैर वो ठीक है, अब अपने अपने ढंग से लोग व्याख्या तो करते ही हैं, अब कहीं गलती हो गई तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। रामकथा तो हमारे साथ हमेशा रहती है, हिंदुस्तान के जनता में ही है, हर घर में रामायण है, हर घर में सारी चीजें हैं, तो उनको तो माफी मांगनी भी है। इन और हम तो समझते हैं कि पांच संपादक मिलकर के भी जिस तरह से कुमार विश्वास सबको खेल रहे थे, मुझे लगा ये पांच संपादक को जिस तरह से उनसे सवाल करना चाहिए था शायद वो नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या हमको तो लगा? लगता है कि पांचों संपादकों की बात को सुन करके मुझे यही लगा कि यह सिर्फ सब जो है एक समय पास कर रहे हैं, चाहे वो राहुल देव हो, हंस हंस के बातें कर रहे थे, जैसे होता ना प्रश्न करते हैं फिर प्रतिप्रश्न करते हैं, उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जिसको हम कहते हैं पत्रकारी भाषा में, वह कर रहे थे तो सब हंस रहे थे, वो अपना ज्ञान जो है उनका अपना, चाहे वो सम्मेलनों का रहा हो या राजनीति का रहा हो, वो सब दिए जा रहे थे। यहाँ तक कि रजत शर्मा के आपकी अदालत में जब भी ये गए थे तो उसी ढंग से बोल रहे थे, क्योंकि इनको संदर्भ तो बहुत याद है, कविताएं बहुत याद हैं, और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए इनके पास दिनकर भी हैं, इनके पास नीरज भी हैं, मैथिलीशरण गुप्त भी हैं, और हरिवंशराव बच्चन तो ही हैं, तो अपने बातों को पुष्ट करने के लिए इनके पास कविताएं भी हैं, जो कि हम समझते हैं वहां जितने पांच संपादक थे किसी के पास नहीं होगा। तो यह अच्छा, एक आदमी 15-20 साल प्रोफेसर रहा है, हिंदी का प्रोफेसर रहा है, PhD है, कवि है, तो इतना तो ज्ञान उसके पास ही है, और जितने भी संपादक बैठे थे वैसी जिंदगी तो इन्होंने जी भी नहीं होगी जैसा कि कुमार विश्वास ने जिया था, राजनीति से लेकर साहित्य तक, तो वो सारी चीजें तो हैं, कोई इस तरह गंभीर नहीं था, इससे भी गंभीर नहीं था कि जितने भी लोग थे उनसे ज्ञानी, मतलब पत्रकारिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो विद्वत्ता और दूसरे की बात कर रहा हूँ, तो ये तो एक चालाक व्यक्ति नहीं है कुमार विश्वास, तो अपना सबको बझा ले गए और सब अपना क्या कहते हैं उसको, बड़े लाइट मूड में जो है उन सबसे बातचीत भी कर, किसी ने गंभीरता से बात नहीं की, हमने तो पूरा इंटरव्यू देखा था, पूरा इंटरव्यू देखा था, कोई गंभीर नहीं था उसमें, और सब इधर उधर की बातें कर रहे थे,
और जो प्रश्न भी पूछ रहे थे वो अपने नॉलेज के लिए नहीं पूछ रहे थे, अरे अपने नॉलेज के लिए पूछ रहे थे, उनको घेरने के लिए नहीं पूछ रहे थे। तो इसलिए वो जो बातचीत हो रही थी पास संपादकों की, हमको लगा कि समय पास करने के लिए बातचीत हो रही है, या उनका जो एक शेड्यूल है पांच संपादकों से बात करवाने या करने की वो कर रहे थे। बाकी कुछ तो हमने भी बहुत गंभीरता नहीं देखी और मैंने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। आपको सही बात बता रहे हैं कि मैंने भी गंभीरता से नहीं लिया था। जी और एक आखिरी सवाल का ही एक ये अंग है कि कुमार विश्वास तो राम कथा करके प्रकाशित कर रहे हैं, ये योगेंद्र यादव वगैरह क्या कर रहे हैं प्रकाशित के लिए? इनको प्राशित, जी, उनको प्राशित करने की जरूरत नहीं है, वो प्राशित के लिए बने ही नहीं है। वह जो है प्राशित के लिए बने ही नहीं है, वह तो उनकी जो नाक है वह यह सूंघती रहती है कि कहाँ हड़ताल हो रहा है वहां पहुंच जाए, कहाँ दूसरी चीजें और हो रही हैं जहां वह जा सके वहां चले जाए। मतलब एक वो अवसर की तलाश में रहते हैं और ये बात करने में जो है वो बहुत ही चालाक है योगेंद्र यादव। उससे अगर आप बात कीजिए तो ऐसा वो एक बौद्धिक बातें करते हैं, वो घुमा फिरा के बड़े इत्मीनान से बड़े सरल शब्दों में और बिना गुस्सा हुए उसको खूब पलटते पलटते हैं। तो ये लोग तो इसीलिए तो इनको परजीवी या आंदोलन जीवी कहा जाता है, इनके पास प्रश्चित नाम की कोई चीज नहीं है ना। ये तो बातचीत करके अगर हमसे निकलेंगे तो ये कहेंगे कि देखो इसको प्रायश्चित करना चाहिए, इसको ये नहीं प्रायश्चित कर रहा है, हमसे प्रश्न पूछा हमने जवाब दिया तो इसको प्रायश्चित करना चाहिए था कि हमने बुद्धिजीवी से ऐसा बात ऐसी बात क्यों की। तो वो कहेंगे कि हमको प्रायश्चित करना चाहिए था। ये लोग प्रायश्चित के लिए बने ही नहीं है। ये योगेंद्र यादव तो सबसे क्या कहते हैं सबसे चालाक आदमी है, कुछ लोग तो कुछ कर भी रहे हैं लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनको तो पूरी तरह आंदोलन जीवी ही बन गए हैं ये। नहीं तो इनके लिए करने के लिए अगर इनके पास होता तो क्यों नहीं करते। जैसे कि एक होता है ना, एक लड़का कहता है कि हम तो बार बार फेल हो जा रहे हैं और हम इम्तिहान में बैठ रहे हैं लेकिन फेल हो जा रहे हैं। वो फेल होने के लिए ही बैठता है, वो पास होने के लिए बैठता ही नहीं है। तो वैसे ही योगेंद्र यादव पास होने के लिए या कुछ करने के लिए आंदोलन जीवी नहीं बने हैं, सिर्फ अपने को बुद्धिजीवी साबित करने या अपना एक कह सकते हैं कि अपने वजूद के लिए ये बने हुए हैं। बाकी इनका तो कोई मतलब नहीं, समाज के लिए भी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने लिए जो कर रहे हैं कर रहे हैं। अगर हम बहुत वैसे बात हैं तो ये समाज पर बोझ है, इसे लोग न समाज का भला करना चाहते हैं न करते हैं, न अपना भला करना चाहते हैं न करते हैं। यानी ये आप कह समाज रहे हैं कि एक तरफ प्रायश्चित के लिए कुमार विश्वास राम कथा जीवी और कविता जीवी हो गए, उधर जोगेंद्र यादव जो है वो आंदोलन जीवी हो गए, जी जी बिल्कुल, और ये उधर इनके जितने अरविंद केजरीवाल उधर पूंजी पूंजी जीवी हो गए। भी थे, अन्ना जी के जितने शिष्य थे, एक पत्रकार जो थे वो पत्रकारिता छोड़ के बहसजीवी हो गए हैं, हर टीवी चैनल पे दिखाई देते हैं और शायद अपना भी कोई उन्होंने यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। योगेंद्र यादव ऐसे ही हैं। किरण बेदी तो खैर रिटायर ही हो गई, उनका तो छोड़ दी, राज्यपाल हो भी गई थी। ये भजन मंडली एक तरीके से कह ले, कविता और वाह बेटा और सब ये करते रहते हैं कार्यक्रम, इनको ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं। ये भी क्या कोई बहुत सार्थक काम कर रहे हैं क्या कुमार विश्वास? साहित्य के लिए कुछ कर रहे हो तो हमको नहीं समझ में आता, कुछ कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कहानी लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, आलोचना लिख रहे हो, या कुछ ऐसी कविताएं लिख दिया उन्होंने जो कि बहुत चर्चित रही हो। चर्चित इन द सेंस कि मैं उस चर्चा की बात नहीं करता हूं कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल कहता है समझता है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बात मैं जो साहित्यिक कृतियां हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसी कोई कृति तो नहीं है इनकी, आज तक कोई किताब भी नहीं आई है और आज तक ये सिवाय कवि सम्मेलनों के और तो कुछ किया ही नहीं इन्होंने। तो जो ये कर रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं, अपना जो जिसको हमने कहा कि ये प्रायश्चित कर रहे हैं, वो प्रायश्चित तो आप हमने कह दिया ठीक है प्रायश्चित कर रहे हैं, राम तो प्रायश्चित कर ही देंगे, राम राम माफ कर देंगे,
लेकिन सब रोजी रोटी के चक्कर में है, किसी के पास समाज नाम है, समाज नहीं है किसी के पास, न किसी के पास समाज है, न किसी के पास बुद्धिजीवी है, न किसी के पास कोई और है, इनके पास सिर्फ और सिर्फ अन्ना आंदोलन से निकले जितने भी लोग हैं वह सारे के सारे लोग समाज से कट चुके हैं और सिर्फ अपने भले के लिए सोच रहे हैं। और हम तो ठीक है, केजरीवाल चूंकि राजनीति में है, हम उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और करना भी चाहिए और है भी वैसा। बाकी लोगों को क्या, आप अगर हम लिखना चाहे कुमार विश्वास के साहित्य पर तो हम क्या लिख सकेंगे, राम कथा को हम कितना पहुंच सकते हैं, कितना समझते हैं, या आशुतोष को नहीं, पत्रकारिता राम हम क्या सीख। कथा में, राम कथा में जैसे अंत समय में, अंत की तरफ जाते हुए, कभी जैसे दोहावली में तुलसीदास जी लिखते हैं समय काल को लेकर, उस पर ये लोग चर्चा नहीं करते हैं, और भी तमाम लोग। तुलसीदास जी ने कहा है उसमें दोहावली में कि आने वाला समय काल कैसा होगा, उसमें कहते हैं चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भड़ुआ भंड, सब भक्षक परमार्थी कली सुपथ पाषंड। कलयुग में ऐसे ही लोग आने वाले समय काल में चोर चतुर बटमार नट प्रभु प्रिय भड़ुआ, ये सब जो है भगवान के प्यारे हो जाएंगे, माने प्रभु के प्यारे होंगे। तो हो ही रहे, गलत तो लिखा नहीं है। तो अगर छह कुमार छह विश्वास को साल छह सात साल 600 साल पहले अगर कोई एक कवि यह आने वाले समय काल के, तो ये घटित तो हो रहा है, तो इसके बारे में कुमार विश्वास कभी नहीं बोलेंगे। अगर विनय पत्रिका में ही नहीं, आप देखें तो एक जगह वो लिखते हैं कि अति विचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। अब अति विचार से संसार कितना भयंकर भारी हो गया है, इस पर कभी कोई चर्चा, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि समाज से एकदम कटे हुए लोग हैं और एक अपने जो रोजी रोजगार के लिए जिस तरह से कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी वहां भी विनय पत्रिका में भी कहते हैं कि अति विचार रमणीय सदा, ये रमने रमन करने वाले लोग जो हैं, और संसार उससे भयंकर भारी होता जा रहा है। यही तो दिक्कत है कि ये लोग जो हैं, अगर हम समाज में जनता के बीच में, हम ये जानते हैं कि जनता के आस्था को कैसे बुनाया जा सकता है, जनता की आस्था को बुनाते हैं, जो यहाँ तक कि कबीर, तुलसी या सूरदास, ठीक है सूरदास बाले के थे कभी, ठीक है, लेकिन इन सारे लोगों ने समझाया है। एक इनके पास अतीत की दृष्टि भी थी, समाज की एक दृष्टि थी, नहीं तो चाहे वह कोई भी हो, रामायण रामचरितमानस या तुलसीदास कृत रामायण हो, चाहे वो वाल्मीकि का हो, वह जितना पॉपुलर है उसके साथ उन्होंने जो समाज के बदलाव की बात की है, समाज में अच्छाई की बात की है, वह अगर ये कहने जाएंगे तो फिर ये राम कथा कैसे कहेंगे, आस्था कहाँ इनकी रहेगी। फिर अगर मैं उसको कहूं कि सीधे सीधे इनकी दुकान नहीं चलेगी अगर वो हमको जो है राम का डर नहीं दिखाएंगे और हमको दूसरी चीजें नहीं दिखाएंगे, डर आस्था सारी चीजें नहीं दिखाएंगे, तो लोग एकत्र कैसे होंगे। हमको अपने बौद्धिकता का भी तो बखान करना है, बौद्धिकता का बखान हम ये शिक्षा दे करके थोड़ी कर सकते हैं। बौद्धिकता का बखान तो होगा कि हम अपने आपकी आस्था का कितना दोहन कर सकते हैं, आपका कितना दोहन कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारी आरती की थाली में पैसे कितने आए, वह भी महत्वपूर्ण है। तो जब हम आरती की थाली का पैसा देखेंगे तो हम दूसरी चीजों पर गौर ही नहीं करेंगे। और ये थाली का पैसा भी देखते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम जो है बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं, राम को समझते हैं, सुग्रीव को समझते हैं, रावण को समझते हैं, मतलब खर दूसर सबको हम ही समझते हैं। और उसका जो दूसरा पक्ष है जिसको लेकर के आस्था को भुनाया जा सकता है, लोगों को भरमाया जा सकता है, आरती की थाली भरी जा सकती है, वह कुमार विश्वास भी कर रहे हैं। इनके पास और कुछ भी नहीं है, कब सम्मेलनों में कैसे ताली बजवा लें,
कैसे हम अपनी अपना रेट बढ़वा लें, चाहे वो दुबई में जा करके, चाहे जैसा दावा करते हैं कि हम 20 देशों में गए, 15 देशों में गए, हिंदुस्तान के हर गांव और हर कस्बे में हम पढ़ के आ गए हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं आप? पैसे के लिए पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं तो ठीक है, फिर आप उसको साहित्य की बात क्यों कर रहे हैं? आप अगर आपको 10 चौपाई याद है, दिनकर की कविताएं याद हैं, हल्दी घाटी याद है, आपको मधुशाला याद है, तो याद होने से आप बहुत बड़े साहित्यकार तो हो नहीं जाएंगे। आपकी दृष्टि भी तो ऐसी होनी चाहिए, और उनकी दृष्टि जिस तरफ है वो दुनिया देख रही है, तो उसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि कुमार विश्वास राजनीति में असफल कह लीजिए या ईमानदारी गैर ईमानदारी चाहे जैसे भी, राजनीति छोड़ के वो पूरी तरीके से उसी मंडली में आ गए हैं जिस मंडली के सदस्य रोजी रोटी अपनी चला रहे हैं। इनको न समाज से कोई मतलब रह गया है, न इनको और साहित्य से मतलब रह गया है, ये अपनी दुकान चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। इसके लिए जो है कहीं किसी लोग आपने समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।